नहीं, अब सर मैं, अब मैं आपका और मैंने कॉलेज खोलूंगा, सर मेरे पास एक टाइम प्रश्न था सर, नहीं प्लीज है, बताइएगा। मुझे मुझे मैंने मिला नहीं था मुझे इसका सॉल्यूशन, इसलिए कि आपके जो कई बार आपने बहुत अच्छा लगा कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ISIS और जैश ए मोहम्मद ऐसे बहुत सारे हैं, आपने उनको कंडेम किया क्योंकि उन्होंने बहुत हीनियस क्राइम किए हैं। ये सेम चीज मुगल्स, टीपू सुल्तान, या फिर कश्मीर में कह लो, या फिर नवाखाली के रायट में बहुत मुस्लिम्स ने किया है, क्या आप उनको कंडेम करते हैं? या औरंगजेब है, उसने किया है बहुत कुछ, बहुत नहीं गड़बड़ करते, किया है उसने, नहीं करते, बहुत तोड़ा है, तो नहीं फिर ये करते, तो बात वही होगी ना, फिर इसलिए वही कि आप टेररिस्ट को आप बढ़ावा दे रहे हैं। आप किसी भी हिस्ट्री को उठाएंगे, हिस्ट्री को कभी भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ा जा सकता। हिस्ट्री हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, उसके अंदर ग्रे एरिया भी बहुत ज्यादा होता है, और हिस्ट्री को ये देखा जाता है कि वो किस पैराडाइम से लिखी गई है। मिसाल के तौर पर इंडिया में जो राइट विंगर्स हैं, उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी है वो अपने एतबार से लिखी है, उन्होंने अपने आप को बड़ा बताया कि जी फलाने हमारे मंदिर तोड़ दिए, ये कर दिया वो कर दिया, और आप वो वाली हिस्ट्री तो पढ़ के कुछ हमारे साथ करते हैं। जो लेफ्टिस्ट की हिस्ट्री है वो दूसरी है, उन्होंने अपने हिसाब से लिखी है। तो बात यह है कि हिस्ट्री में कोई भी चीज हमेशा क्लियर नहीं होती, दो और दो चार की तरह वाजे नहीं होती है। अगर एक हकूमत, और उस हकूमत में मुझे बताएं कि जिस वक्त मुगलों की हकूमत थी, मुसलमानों की तादाद मुश्किल से 3% थी, वो हकूमत बाकी कैसे हाँ रही? और मुगलों से पहले दूसरे भी खानदानों की हकूमत रही, 800 साल मुसलमानों की हकूमत थी, 2 या 3% मुसलमान थे, हकूमत किन के ऊपर की जा रही? हिंदुओं के ऊपर हाँ की जा रही थी मैं बता रहा ना, हूँ, मैं बताए बता रहा हूँ। हिंदुओं की मदद के बगैर मुसलमानों की हकूमत इंडिया में कायम नहीं हो सकती थी। अगर मंदिर तोड़े जा रहे थे तो आप लोग सो कर रहे थे, आपने उस हकूमत को उठाकर क्यों नहीं फेंका? क्यों आप लोग साथ में खड़े हुए थे कि हाँ जी इस मंदिर को भी तोड़ो, उस मंदिर को भी तोड़ो? तो ये तो जुर्म आप लोगों का है, आप मुसलमानों के ऊपर कहां से डाल देते हैं? नहीं, पहली बात तो 800 साल पूरे भारत में किया नहीं हुकूमत, मैं सब कहता हूँ जगह आठ से, साल 50 जगह से लोगों ने विरोध तो था, 8 साल किया, 8 साल किया, 800 साल को छोड़ दो, ठीक आठ है। साल और जहां भी आठ साल था भी वो अगर टॉप हुकूमत में बैठे है, हुए हैं। 8 साल भी अगर हुकूमत है, तो वो राजो रजवाड़ो और हिंदुओं की मदद के बगैर मुमकिन नहीं थी। और राजे रजवाड़े आपस में एक दूसरे की दुश्मनी निकालने के लिए उसको तख्त को कहते थे कि जी फला मंदिर तोड़ दो, तो ये, और अपने अफराद भी भेजते थे, यानी सारे फौजी जो है मुसलमान नहीं थे, 2-3% पूरे मुल्क को कहां से ले लेंगे भाई? हुकूमत के अंदर फौजी भी हिंदू, जनरल भी हिंदू, कर्नल भी हिंदू, सारे काम हिंदू कर तो रहे हैं। इस हिसाब से इल्जाम तो अंग्रेजों ने कुछ किया ही नहीं यहाँ पर, कोई यहाँ पे लूट खसोट किया ही नहीं, 2-3% अंग्रेज थे, कुछ भी नहीं किया अंग्रेजों ने, सब तो बिल्कुल, इंडियन ही थे उनके अंदर आप यही भर्ती, कह, आप जिस तरीके अंग्रेजों ने से कुछ नहीं किया यहाँ पर, कि मैं उसमें भी ये कह रहा अंग्रेजों हूं, ने तो कोई लूट खसोट नहीं किया, ने बिल्कुल किया है। इंडियन आप फ्रीडम मूवमेंट तो हुआ अंग्रेजों ही को नहीं है। अगर हाँ ब्लेम करते हैं, अंग्रेजों को अगर ब्लेम करते हैं, और उसमें साथ में उनको भी ब्लेम करें कि जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, ये नाइंसाफी है। मैं तो हाँ दोनों जगह कहता हूँ ये नाइंसाफी है कि आप अंग्रेजों को ब्लेम करें, और जो अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे आप उनको ब्लेम ना करें, ये गलत है। जिस तरीके से अंग्रेजों ने यहाँ पर हुकूमत कायम की मकामी लोगों की मदद से, ऐसे ही फिर मुगलों ने हुकूमत कायम की मकामी लोगों की मदद से। और चूंकि अंग्रेजों हुकूमत फेथ बेस्ड नहीं थी, अगर आप मुसलमानों को कहते हैं कि इनकी हुकूमत फेथ बेस्ड थी, तो मुझे बताइए कि फिर आपके फेथ के लोग चले किधर गए थे? क्यों दूसरे के फेथ की हुकूमत को वो सपोर्ट कर रहे थे? अच्छा, तो ये जो टीपू सुल्तान के स्वॉर्ड पे अभी भी लिखा हुआ आता है कि ये जितने भी नॉन बिलीवर्स हैं उनको मारो, मैं ये मतलब कसम खाता हूँ अल्लाह की, तो ये सही है गलत है? रिसेंटली अगर कश्मीर में जो रिकॉर्डेड है वहां से लोगों को मारा गया, और ये नारा लगाया था रलीफ गलीफ शरीफ, कि या तो आप इस्लाम को कबूल करो या फिर आपको मार के भगा देखें देंगे, देखें, तो क्या ये सही है कि गलत है? और क्या ये आप ये कंडेम दूसरे करते की हैं? बातें जो है मेन मुझसे बात करके ये है। तो फायदा है नहीं, लेकिन मैं एक हाँ उसूली हाँ तौर पर आपको बात बता रहा हूं कि जब एक हाँ हुकूमत हाँ कायम हो जाती है, वो चाहे मुगलों की हो, हाँ हाँ वो चाहे अंग्रेजों की हो, और या फिर ये कि वो जो मौजूदा सेक्युलर डेमोक्रेसी, जब एक हुकूमत कायम हो गई है, हुकूमत का एक लॉ एंड ऑर्डर होता है, और उस लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जाने को हम दुरुस्त नहीं समझते। हाँ, इल्ला ये कि वो हकूमत ही इलेजिटिमेट हो। मिसाल के तौर पर अंग्रेजों की हकूमत कायम हुई, तो अंग्रेजों की हकूमत को क्या इंडिया का कोई भी, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो, एक बड़ी तादाद लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं समझती थी। इसीलिए भारत छोड़ो तहरीक और जनाब नमक के ताल्लुक से गांधी जी की सारी तहरीकें चली, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट चले, चूंकि अंग्रेजों की हकूमत को इलेजिटिमेट हकूमत नहीं समझा जाता था। लेकिन मुझे बताएं कि क्या हिंदुओं के ने मुगलों की हकूमत के खिलाफ या टीपू सुल्तान के खिलाफ कोई ऐसा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया कि भाई सारे हिंदू एक पेज पर आ गए, इस हुकूमत को नहीं मानते? नहीं, आपकी एक ठीक है, बड़ी ताकत, शिवाजी महाराज ने किया, नहीं, आप नहीं, आप आपकी एक सवाल बड़ी भी ताकत करेंगे जवाब भी देंगे, ऐसा नहीं चलेगा ना। के साए के तले खड़ी थी कि जिस तलवार के ऊपर वो आयत लिखी हुई है। मुझे आपको सवाल अपने लोगों से करना चाहिए था कि तुम्हें अगर उस तलवार के ऊपर ये आयत लिखी हुई नजर आ रही थी तो तुम उधर कहां खड़े थे? तो मैं तो इधर खड़ा होना था। ठीक हाँ, नहीं, जो आप ये बोल रहे हैं तो है, आप ये मुझे कंडेम करें, हाँ, शुक्रिया, अब आप बस उनको फिर कंडेम। आप